डॉक्टर साहब हैं क्या? हाँ जी आइए। हेलो। आइए आइए बैठिए। मेरा नाम है डॉक्टर फटाफट। बोलिए क्या प्रॉब्लम है, फटाफट बोलिए। डॉक्टर प्रॉब्लम मेरा नहीं, प्रॉब्लम इसका है। एक्चुअली ना इसकी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन इसका पति इसको तलाक ना दे दे इस वजह से ये अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाती, तो मैं इसे आपके पास ले आई। इसलिए जल्दी से आप इसका फटाफट इलाज कीजिए ना। देखिए अगर डॉक्टर से आप अपनी प्रॉब्लम छुपाएंगे ना तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? अभी जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना मुझे फटाफट बता दीजिए, मैं फटाफट आपका इलाज करूंगा। बोलिए। डॉक्टर साहब सुना है डॉक्टर लोग भगवान का रूप होते हैं और मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। तुम्हारे चेहरे से दिखाई देता है, मैं समझ गया। टेंशन नहीं लेने का, जो कुछ प्रॉब्लम है ना अभी मुझे बता दो फटाफट, इधर उधर की बात करना बंद करो, ठीक है? बोलो। डॉक्टर साहब ये ठहरी बिचारी गांव की, इसका हस्बैंड शहर का है, शहर जाकर नए नए तरीके सीख कर आता है। कभी बोलता है उठ जा, कभी बोलता है बैठ जा, कभी ऊपर चढ़ जा, कभी लेट जा। बताओ तो ये भी कोई तरीका है? बीवी ना हुई, कोई खेल हो गया। अगर मेरा पति होता ना इसकी जगह पर तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारती ना कि साला सीधा हो जाता। ये तो बेचारी सीधी साधी है। पति पत्नी के बीच प्यार तो जरूरी है। अब आप ही बताइए क्या मैंने कुछ गलत बोला? पति और पत्नी के बीच प्यार का रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है। प्यार तो खुदा की इबादत है। हाँ। आप ही बताइए डॉक्टर साहब, ये सब गलत बात है ना डॉक्टर साहब? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? डॉक्टर फटाफट, बस अब आप ही कीजिए इसका इलाज फटाफट। अभी आपको मेरे साथ अंदर चलना होगा, मैं आपका चेकअप करूंगा फटाफट। नहीं नहीं नहीं, चेकअप फटाफट नहीं होगा, चेकअप तो आराम से होगा। वैसे मेरा नाम है फटाफट, इलाज में करता जरूर हूँ फटाफट, लेकिन चेकअप के बाद ही पता चलेगा कि प्रॉब्लम किस में है, कि प्रॉब्लम तुम में है, कि प्रॉब्लम तुम्हारे हस्बैंड में है, ये तो चेकअप के बाद ही चलेगा पता। लेकिन चेकअप मैं करूँगा आराम से फटाफट। नहीं अभी आप उठो फटाफट, अंदर चलो फटाफट, मैं भी आता हूँ फटाफट।